चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं लोकल होस्ट के बारे में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल पैनल में जाना होगा। मैंने शॉर्ट काउंट कमांड से गया हूँ, विंडो प्लस आर मार के कंट्रोल प्लस एंटर। उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है दोस्तों। उसके बाद टर्न ऑफ एंड ऑन का एक ऑप्शन दिया हुआ आपके लेफ्ट साइड में, उस पर जाना है। विंडोज़ फ्यूचर जो है वो आपको ओपन करने हैं। यहाँ से इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट एक्सोरेंस, ये दोनों आपको ऑन करनी होंगी दोस्तों। दोस्तों थोड़ा टाइम लेंगे। विंडोज़ फ्यूचर अप्लाई चेंजेस, यहाँ से विंडो के जो फीचर हैं वो चेंजेज होते हैं दोस्तों। लोकल होस्ट का इस्तेमाल हम अपनी खुद की वेब को पब्लिश करने या देखने के लिए करते हैं, जो PHP या HTML में जो भी हम वेब बनाते हैं उसका इस्तेमाल लोकल होस्ट के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा लोकल होस्ट एक अलग से आपको IP देता है, इसके लिए भी हम लोकल होस्ट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। लोकल होस्ट के लिए जाम सर्वर भी एक लोकल होस्ट है दोस्तों, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी के लिए लोकल होस्ट विंडो का जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल आता है, मैंने उसको इनेबल किया है, तो थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों विंडो कम्प्लीटली द रिक्वायर्ड चेंजेस। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ क्या कुछ होता है। सबसे पहले दोस्तों किसी ब्राउज़र को मैं अगर ओपन करूँगा, क्रोम ब्राउज़र है मेरे में, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप लोकल होस्ट इनेबल कर दें तो आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा 127.0.0.1 लोकल होस्ट जिसको हम बोलते हैं, IIS विंडो जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों IIS का मतलब होता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। विंडो 10 है, अगर विंडो 7 होती तो उसमें दोस्तों IIS लिखा हुआ आता। इसके अंदर और कुछ नहीं खुलेगा, आप जो अपनी खुद की अगर कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो आप यहाँ ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों वेबसाइट ओपन होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सी ड्राइव में जाना होगा। चलिए मैं चलता हूँ अभी। दिस पीसी को ओपन कर लिया, उसके बाद सी ड्राइव। सी ड्राइव में दोस्तों इंटेल पॉपअप होता है दोस्तों। ये यहाँ पर WWW रूट में अगर आप कोई भी चीज़ या आपने कोई भी वेबसाइट बनाई वो पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जैसे आप 192.127.0.0.1 ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाएगी दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों जैम मैं आप बता रहा था, ये मेरा जैम्प है। इसके अंदर दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। ये PHP कोडिंग वगैरह जो होती है वो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी फाइल को अगर पेस्ट करूँगा तो मेरी वो ओपन हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए दोस्तों जैम के नीचे स्टार्ट स्टॉप जो थी वो आपको दिखाई थी मैंने। अभी कुछ इंस्टॉल वगैरह करना हो सब कुछ दोस्तों, आप जैसे एक मेन सर्वर पर आप काम करते हैं वैसे ही जैम, या मैं ये कहूँ कि IIS या 127.0.0.1 काम करता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, ये WW रूट जो था मेरा। अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड